का नए वीडियो में इस स्टूडेंट बात करने की जा रहे हैं जो है मारुति सुजुकी में वैकेंसी निकल के आई है टेम्परेरी वर्कर यानी TW में। TW के लिए वैकेंसी निकल के आई जो जो है कंपनी बेस पे ही रहने वाला है और जो है 7 मंथ के लिए होता है। तो जो है इसमें सैलरी भी आपकी अच्छी रहती है क्योंकि ये कंपनी बेस पे रहता है और दो जो है यानी कि गुड़गांव और जो है मानेसर प्लांट के लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो इसमें जो है कितनी आपकी एज होनी चाहिए और उसके बाद जो है किस किस यानी कि कौन से ट्रेड के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो है कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वो भी जो है किन जो है राज्य के लिए वैकेंसी निकल के आई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे कि बता है कि आपको जो है 7 मंथ की होने वाली है टेम्परेरी वर्कर, इसकी पोजिशन रहने वाली है और उसके बाद जो है मंथली आपकी सैलरी 27,000 यानी 28,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी। और उसके बाद बात करें ये जो है जॉब लोकेशन गुड़गांव, उसके बाद हरियाणा, आपकी गुड़गांव हरियाणा और मानेसर हरियाणा प्लांट के लिए जो है ये वैकेंसी निकल के आई। आगे बात कर लेते हैं कि आपकी एज जो है ज्वाइनिंग की 18 से जो है 25 साल 11 महीने जो है आपकी एज है तो आप अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है आगे बात करें कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ITI और उसके बाद 10th की जो है 40% यानी 40% होनी चाहिए। आगे बात करें NCVT से हैं और SCVT से हैं तो नो प्रॉब्लम, दोनों से आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रेड कौन कौन सी रहने वाली हैं, तो ट्रेड आपकी रहने वाली हैं डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, MFV, पेंटर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव और उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिक, ऑटो बॉडी पेंटिंग और उसके बाद मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, PPO सीट मेटल वर्कर, टूल एंड डाई मेकर और उसके बाद प्रेस टूल। आगे बात करें इसमें जो है इतने ही ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद बात करें तो इसमें जो है 2-3 स्टेज पे जो है आपकी होगी ज्वाइनिंग, यानी कि जो है सबसे पहले बात करें आपका होगा फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद जो है 1 नंबर पे, फिर उसके 2 नंबर पे आपका होगा आपको बुलाएगी कंपनी असेसमेंट यानी टेस्ट जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल से, उसका प्रॉपर वीडियो हम बना चुके हैं तो आपको गूगल में सर्च करना है मारुति सुजुकी CW या TW या कुछ भी सर्च करना है और डाल देना चैनल का नाम सौरभ सराइडी। उसके बाद 3 नंबर पे होगा आपका इंटरव्यू, इसमें टेस्ट में पास हो जाएंगे, टेस्ट में पास होने के बाद इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होने के बाद सारी होगी डिटेल, उसके बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम ही बुलाएगी, कॉल और मैसेज दोनों आएगा। तो ये सब होने के बाद आगे इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी जो है यानी कि कहाँ कहाँ के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है चंडीगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये जो हैं यानी कि जो है 5 राज्य हैं, यही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इन्हीं राज्य के लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो जो है आपको इसमें सिंपली अप्लाई करना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे जो है आप इसमें जो है अप्लाई करेंगे। इतनी आपको समझ में आया, इसके बाद जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, ये फॉर्म का लिंक है, आप इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे इस पेज में आ जाएंगे, इसमें नाम डालेंगे और उसके फादर्स नेम डालेंगे, आपका जो है मेल है, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं तो मेल डालना है और उसके बाद जो है यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद जो ईमेल आईडी है, अपना मोबाइल नंबर और उसके क्वालिफिकेशन 10th डालना है और उसके बाद कोई अल्टरनेट नंबर डालना है आपका, अपना जो है वर्तमान यानी प्रेजेंट एड्रेस और उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो कॉपी एड्रेस कर देंगे सेम हो जाएंगे। और आगे बात करें और उसके बाद जो है अपनी कैटेगरी कौन सी है, आप OBC ST जनरल किससे हैं, वो अपना जो है मूल निवास किस स्टेट के हैं, यानी कि इसमें जो है चंडीगढ़ जो बताया राज्य उनके लिए है वैकेंसी, तो इसमें सब और उसके बाद 10th में कितने आपके परसेंटेज हैं और उसके बाद 12th में यानी आप इसमें 10th ही अप्लाई करिए, उसके बाद ITI और उसके बाद इसमें ट्रेड कौन सी है और उसके बाद NCVT STVT है और उसके बाद ईयर कौन सा है और जो है इसके बाद जो है आपके नंबर कितने आए हैं, अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है तो यस करिए, नहीं तो नो करिएगा। ये सब पूरा लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे जैसे, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का लिंक ये यानी कि दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ भी पैन नंबर अटैच करना है, 12th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ये सारे मार्कशीट जो है डॉक्यूमेंट इसमें PDF के रूप में या डायरेक्ट फ़ोटो खींच के इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके बाद इसमें जो है टिक करना है। टिक करने के बाद आप सेव कर देंगे सिंपली। इस पर सेव करेंगे तो आपका जो है फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद जो है आपके पास मेल पे एक मैसेज आ जाएगा। मेल पे जैसे ही मैसेज आ जाएगा आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद आपका जो है कुछ दिनों में आपके पास मैसेज आएगा। मैसेज आएगा कि आपको इस स्थान पे आना है, यहाँ पे आपका जो है होने वाला है, यानी कि आपका इंटरव्यू होने वाला, टेस्ट होने वाला है इस तरह की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और उसके पहले एक बात बता दूं कि इस चैनल पे जो है इसी तरह के वीडियो आते हैं, तो एक बार चैनल पे विजिट करके आप देख लीजिएगा, विजिट करिए और देख लीजिए, और टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, क्योंकि जो है इसी तरह के हम वीडियो डालते रहते हैं, तो आप भी वहाँ ज्वाइन करिए। और उसके बाद कोई कैंपस लगता है तो आपको पता चलता है।